अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समी, आप देख रहे हैं एशियन किंग टेक। और आज की इस वीडियो में हमारे पास वीवो की दो डिवाइसेस मौजूद हैं यूज़ में, वीवो V21e और वीवो Y21। और दोनों में ही अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 की अपडेट भी आ चुकी है और फंटच ओएस भी दोनों में आपको 12 मिल जाएगा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीवो V21e की, और इसमें आपको 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज मिलती है, और यहाँ पर 4GB एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन भी दिया गया है। और इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, ख़ास तौर पर इसका ये जो कलर है, और इसकी बैक पर भी आपको गिलास देखने को मिल रहा है। बैक पर क्वाड कैमरा है जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, और इसमें आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है। और फ्रंट पर 44 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। और इसमें आपको बैटरी थोड़ी सी कम मिलती है 4000 mAh की, जिसकी वजह से ये फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, और ये 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और डिस्प्ले भी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत दिया गया है, 6.4 इंचेस का, और ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है 1080 की रेजोल्यूशन के साथ। और ये स्नैपड्रैगन 720G इस काफ़ी पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर पे आता है। और अब अगर हम देखें इसकी कैमरा ऐप में फीचर्स और क्वालिटी को, तो यहाँ पर सभी जो बेसिक फीचर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, और हाई रेजोल्यूशन के नाम से एक मोड दिया गया है। और वीडियो में अगर हम देखें इसकी रिकॉर्ड सेटिंग को, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 4K की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और 1080 60 FPS की ऑप्शन भी दी गई है। और वीडियो में आपको स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन भी मिल जाएगी, जो कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरा में मौजूद है, और यहाँ पर आपको वीडियो में कुछ फिल्टर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और फ्रंट कैमरा आपको 44 मेगापिक्सल का मिलता है, तो इसकी जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और अब अगर बात की जाए इसकी प्राइस और बाकी चीज़ों की, तो ये इस वक्त आपको 3 से 4 महीने वारंटी में कम्प्लीट सामान के साथ 10x10 कंडीशन में 36,000 का मिलेगा। तो ओवरऑल ये एक बेस्ट डिवाइस है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, और काफ़ी कामयाब भी रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। और अब हम बात कर लेते हैं वीवो Y21 की। और सबसे पहले इसके कुछ मेन स्पेक्स की अगर बात करें, तो डिस्प्ले इसमें आपको 6.5 इंचेस का मिलता है, और ये एक 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। और जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज वाला है, और इसमें भी आपको एक्सटेंडेड रैम की ऑप्शन मिल जाएगी। और इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी जो मेन हाईलाइट है वो सिर्फ इसका डिज़ाइन ही है। इसमें आपको डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत मिलता है इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से, बाकी स्पेक्स आपको काफ़ी कम मिलेंगे। बैक पर सिर्फ डुअल कैमरा दिया गया है जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, और सेल्फी कैमरा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, और ये 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और ये गेमिंग फ़ोन भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको MediaTek का Helio P35 एक पुराना चिपसेट मिलता है, तो नॉर्मल डे टू डे यूजेज और मल्टीमीडिया में अच्छा चल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और इसमें भी आप डुअल सिम और एक SD कार्ड सेम टाइम पे यूज़ कर पाओगे। और अब अगर हम देखें इसकी कैमरा ऐप में फीचर्स और क्वालिटी को, कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिल जाती है इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से, और यहाँ पर आपको फोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट, पेनो और मोर की ऑप्शन दी गई है। और बहुत ही बेसिक से फीचर इसमें आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर नाइट मोड और स्लोमो वगैरह की ऑप्शन भी नहीं दी गई है। और वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें 480, 720 या 1080 तक कर पाओगे इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से। और अब अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, तो इस वक्त आपको कंप्लीट सामान के साथ 10x10 कंडीशन में 9 महीने से ज़्यादा वारंटी में 26,000 का मिल जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनकी शॉप का एड्रेस मौजूद है, आप वहाँ जाकर इनसे ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।